अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वहीद हसन, वेटनरी ऑफिसर। आज आपको मैं अपने फार्म पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना है। प्रोजेक्ट बेसिकली है साहिवाल जो काऊ है उसकी मिल्क की कंपोजिशन के बारे में है कि उसमें फैट परसेंटेज, लैक्टोज परसेंटेज, प्रोटीन परसेंटेज प्लस जो है वाटर परसेंटेज और टोटल मिल्क सॉलिड्स उनकी क्या रेशो है, और बाकी भी वो फॉर्म्स पर कर रहे हैं तो आज ये हमारे फॉर्म्स पे था तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और इसके जो मज़ीद हैं हम फिर बाद में कंपैरिजन कर सकते हैं कि फ्रीजी नस्ल से कितना जो है साहिवाल का दूध वेरी करता है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम किसी को बता सकते हैं कि किसका दूध ज़्यादा बेहतर है। तो अभी चवाई हो रही है आपके सामने कंप्लीट, अगर चवाई की वीडियो आपने देखनी है तो वो अलहदा मेरे चैनल पर मौजूद है। अभी मैं सिर्फ एक गवाले का आपको सैंपल के तौर पे दिखाऊंगा कि किस तरह वो चवाई कर रहा है, ये आपके सामने चवाई कर रहा है, और किस तरह वो फिर आगे मिल्क रूम में लेकर जाएगा जहाँ पे एनालिसिस के लिए स्टाफ भी मौजूद है, प्लस जो है मिल्किंग सैंपल को जो है वो किस तरह ऑटोमेटिक मशीन में टेस्ट किया जाएगा। तो ये आपके सामने चवाई हो रही है, जब चवाई इसकी कंप्लीट होगी तो उसके बाद ये इस दूध को लेकर मिल्किंग रूम की तरफ जाएगा। तो ये चवाई इसकी कंप्लीट हो गई है, अब ये मिल्क रूम की तरफ जा रहा है। यहाँ पे दूसरा स्टाफ मौजूद है जो इस मिल्क में से मिल्क सैंपल ले लेगा, अलहदा टेस्ट ट्यूब जो बिल्कुल क्लीन है ऑलरेडी रिंस की हुई है उसके अंदर सैंपल ले लेगा। गवाले ने इसे इस गाय का नंबर भी बता दिया है कि इसका ये नंबर है, नंबर इसने नोट कर लिया। अब ये सैंपल को आगे सैंपल क्यू में रखेगा जहाँ बाकी भी सैंपल पड़े हैं आपके सामने। हर सैंपल को टेस्ट करने के लिए मशीन टाइम ले रही है, तो बाकी डिटेल्स हम डॉक्टर साहिबा से मालूम करते हैं। ये एफ आर फैट, एक मिनट। अच्छा, ये इसमें दे रहा फैट दे रहा जो हम कैलकुलेट करें फैट करते हैं, इसमें सॉलिड्स करें, उसके बाद प्रोटीन हम इसकी देखते हैं, और उसके बाद लैक्टोज वाटर, ये हम चार चीज़ें इसके अंदर से हम देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने ये हमारे पास डाटा शीट है वहाँ से हम इसको इसके यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ, सायर आई डी, डेम आई डी, कार्बिन डेट, पायरेटी, ये टोटल डाटा हमारे पास इसका मौजूद है। उसके बाद ये हमने इनका टैग नंबर लिखे, आगे हम इनका डाटा लिखेंगे और फिर हम जाके इसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डाटा एनालिसिस करेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। ये मशीन कितने एक मिनट में रिजल्ट दे देती है? एक से डेढ़ मिनट देती है। इसको क्लीनिंग करने पड़ता है, क्लीनिंग में तकरीबन ये तीन मिनट लेती है। क्लीनिंग हम तीन तरह से करते हैं, सिंपल वाटर से करते हैं, अल्की से करते हैं और एसिड से करते हैं। सही, 10 सैंपल के बाद अल्की से वॉश करते हैं। अच्छा, जब कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है तो फिर हम इसको एक दफा एसिड से वॉश करते हैं। सही, ये फिर हर एक ट्यूब को फिर आप वॉश करते होंगे उसके बाद दोबारा अगला सैंपल। ये आपके सामने दिखाया जा रहा है कि किस तरह मशीन को पहले वॉश किया जाता है या रिंस किया जाता है, क्योंकि अंदरूनी जो भी इसके चेकिंग सिस्टम है उसको पहले क्लीन किया जाता है हर सैंपल को एनालाइज करने के बाद। वो ज़रूरी होता है क्योंकि अगर क्लीन ना करें तो फिर अगला सैंपल जो है उसका रिजल्ट सही नहीं है। अगर हमने काऊ का सैंपल रन करना है तो काऊ का सैंपल देने बफ का करना है, नेक्स्ट करना है अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट वाला करना है, जो भी सैंपल करना है वो उसको करते हैं नेक्स्ट। ये आगे हमारी है रिंसिंग क्लीनिंग के लिए है, फाइनल क्लीनर, उसके बाद एंड में प्रिंट भी आता है इसका। अच्छा, अभी हमने इसकी रिंसिंग करनी है। ठीक है, ये क्लिक करो इसको, अगर इंटर करो, ये इसने रिंसिंग स्टार्ट कर दिया, 10 सेकेंड्स की ये रिंसिंग करनी है। तो
मशीन की रिंसिंग एंड क्लीनिंग हो चुकी है, तकरीबन 7-8 सैंपल गुजर चुके हैं। नेक्स्ट सैंपल जो हम लगाएंगे उसकी मैं पूरी आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह मशीन जो है वो सैंपल इसमें डालते हैं और किस तरह फिर ये कितनी देर में आपको रिजल्ट देती है, ये आपके सामने नज़र आता है। डॉक्टर साहिबा ने गाय का जो नंबर है जो मिल्क सैंपल पे लिखा हुआ है नोट कर लिया। अब ये मशीन की ट्यूब में मिल्क सैंपल डाला जा रहा है और मशीन की फनल के आगे रख दिया गया। अब मशीन सक कर रही है और थोड़ी देर बाद इसका रिजल्ट देगी। टेम्परेचर आपके सामने सैंपल का शो हो रहा है 21.9 डिग्री सेंटीग्रेड और ये ज़रा टाइम दे रही है क्योंकि सर्दियों के दिन है, तो अभी हमारे सामने रिज़ल्ट आएगा। ये स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट भी आ गया। अब हम इसके रिजल्ट्स नोट कर लेंगे, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज और मिल्क सॉलिड्स और वाटर परसेंटेज। ये स्क्रीन पे आपके सामने रिज़ल्ट शो हो रहा है। फैट परसेंटेज है 6.33, लैक्टोज जो है वो 5.77 है, जो टोटल सॉलिड्स हैं वो 10.49% है और एडिड वाटर जो है एज इम्प्योरिटी वो 0% है। ये इसके स्पेशल सॉल्यूशंस हैं एसिडिक और अल्कलाइन दोनों, जो इस मशीन की रिंजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर सैंपल जो हमने एनालाइज किया उसके बाद इसकी रिंजिंग क्लीनिंग लाजमी होती है ताकि अगले सैंपल्स का रिज़ल्ट जो है वो ख़राब ना हो। ये इस तरह आपके सामने एक और सैंपल हमने रखा रिंजिंग के बाद, क्लीनिंग के बाद। नेक्स्ट सैंपल भी हम वो एनालाइज कर रही है मशीन, जाहिर बात है इस पर टाइम लगेगा, एक मिनट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, उसके बाद हमारे सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। ये सैंपल का रिजल्ट आ गया, मशीन ने स्क्रीन पे शो कर दिया। आज की वीडियो बस यहाँ तक है। प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी आगे प्रोग्रेस होगी और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपके साथ मैं बाद में शेयर करूँगा। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।